मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? फाइन? यस। अच्छा, हमने लास्ट टाइम मैथ्स के अंदर लेसन पढ़ा था, है ना, फिश का। ओके, तो वही लेसन को हम आज आगे पढ़ेंगे। उसके पहले क्या करेंगे, उसके पहले हम अपने 3 रूल्स को याद कर लेंगे। कीप योर मोबाइल स्लाइड अवे फ्रॉम योर आईज, ओके, मेक द फुल स्क्रीन कर दो, और सिट प्रॉपर, स्ट्रेट बैठ के देखो। एंड नेक्स्ट यू हैव टू फिल योर अटेंडेंस इन द कमेंट बॉक्स, है ना। कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस फिल करना भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट। ओके, शैल वी स्टार्ट अवर लेसन? यस। सी, सबसे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि ये लेसन है ना, अब जो भी सम्स आएंगे ना, उसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। अगर आप टेबल्स भूल गए हैं तो आपको फिर से रिकॉल कर देना है, ठीक है ना। 15 तक के टेबल आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि अभी मैं आपको लेसन समझा रही हूँ, उसके बाद है ना नेक्स्ट पीरियड में सम्स कराने वाली हूँ, और अगर टेबल्स नहीं आते होगे तो सम्स में पता नहीं चलेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर टेबल्स अप टू 15, ओके, डोंट फॉरगेट, हाँ, डोंट मिस इट, ठीक है ना। नहीं चलेगा अभी टेबल्स नहीं करेंगे तो, है ना, अभी तो बड़े हो गए, टेबल्स करने पड़ेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट अवर लेसन? यस। से, लास्ट पीरियड में हमने ये सब देखा था, है ना, ऑक्टोपस एंड प्रॉन और पैरट फिश, और उसके सब के बारे में हमने देखा था, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अभी हम यहाँ पर आए हैं सी, तो अभी हमें क्या करना है, देखो, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। आपको आंखें बंद करके ऐसे माइंड में इमेजिन करना है कि कोई दरिया है, सी है, वो उसके बहुत हाई, उसके जो वेव्स है ना वो रेज हाई, बहुत उछल रहे हैं उसके मोजे, जो पानी के लहरें होती है ना, बहुत ऊपर ऊपर उठ रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितनी ऊपर उठी होगी, कितने स्क्वायर फीट या कितने मीटर या ऐसे आपको इमेजिन करना है, वो आपको अपने इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है ना। जैसे किसी ने बोला 5 मीटर, कोई बोलेगा 10 मीटर, तो 10 मीटर कितनी हाई होती है, 5 मीटर मतलब कितनी हाई होती है ना। मैंने बोला था ना, मेरे ये शोल्डर से लेके मैं अगर ये हाथ पूरा लंबा करूँ ना, तो मेरे यहाँ तक का 1 मीटर होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि 5 मीटर। तो आपको क्या लगता है, आप भी सोचना, ठीक है। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, कहाँ तक ऊपर जा सकती है, आपको इमेजिन करनी है ना। ओके, कभी कभी है ना टाइड्स होते हैं ना, मतलब बहुत ही साइक्लोन वगैरह आते हैं, सुनामी आता है, तो बहुत लंबी लंबी लहरें उठती है ना। यस, चलो फिर क्या है, देखो, इमेजिन दैट देर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स, है ना, फिशरमैन है। देखो मैं ये आपको समझा देती हूँ, इसमें ये लिखा है कि कुछ आप इमेजिन करो कि फिशरमैन जा रहे हैं बोट के अंदर बैठ के, ठीक है, और वो बोट किसकी बनी हुई है, लॉग ऑफ वुड, वो ट्रंक होता है ना उसको, देखो ये लॉग की बनी, लॉग यानी लकड़ी का जो होता है ना, हाँ उसकी ट्रंक होता है ना, उसके अंदर से बनी हुई, ठीक है। अभी ये बोट है ना बहुत दूर तक नहीं जा सकती, है ना, जा सकती है ऐसी, इसके लिए तो मोटर बोट चाहिए ना, मोटर वाली बोट चाहिए, ये तो हैंड से वो चलाते हैं, और उसमें भी कैसा है कि अगर विंड उनको सपोर्ट करेगा, विंड ब्लो होता है ना जब सी में जाते हैं फिशिंग करने के लिए, तो अगर विंड अपोजिट साइड में होगा तो बोट आगे ज़्यादा नहीं जा पाएगी, पर विंड अगर उसी तरफ का है, अंदर की तरफ का, तो बोट फास्ट अंदर जा पाएगी, ठीक है ना। तो विंड पे भी डिपेंड करता है, फिर सी कैसा है उस दिन, यहाँ पे तूफान है या शांत काम है, सी ये फिशरमैन है, ठीक है ना, वो अपनी लॉग बोट लेके जा रहा है। ओके, अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ है, बहुत अंधेरा है, और अगर उसको विंड सपोर्ट करता है, अगर विंड हेल्पफुल है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि 4 किलोमीटर वो इन 1 आवर, वो एक घंटे में कितना जा पाएगा, 4 किलोमीटर तक दूर जा पाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी उसको कितने किलोमीटर जाना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो हम कैसे सर्च करेंगे, देखो एक 1 आवर में 4 किलोमीटर जाते हैं ना, 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर लगता है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो कैसे होगा, 10 / 4 होगा, तो आंसर क्या आएगा, 2.5 आवर, है ना, 2.5 घंटे लगेगी, 2.5 आवर्स लगेगा उसको जाने के लिए, ठीक है ना। ये सम्स मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगी कि ये और डिटेल में कि कैसे होगा,
ठीक है, अभी मैं आपको एक बार टैक्स समझा देती हूँ। चलो अभी गेस हाउ फार यू कैन यू गो इन वन आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अगर आप फास्ट फास्ट चल के जाते हो तो आप एक घंटे में कितना कितने किलोमीटर या कितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। मैं तो फास्ट फास्ट जाऊँ ना तो मैं 4 किलोमीटर तो चल सकती हूँ, आप सोचना, ठीक है ना, इसे ज़्यादा हो सकता है। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन है ना विंड है ना उसको देखते हैं और उनको पता चलता है कि किस तरफ जाएंगे। अगर अपोजिट अपोजिट साइड का विंड होगा तो वो सामने नहीं जाते, जिस तरफ का विंड होता है उस तरफ से वो जाते हैं, ठीक है। अभी वो लोग जैसे कि अंधेरे में निकले और विंड जिस तरफ है उस तरफ चले गए, तो जो सनराइज होता है तो उनको कैसे पता चलता होगा कि वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, है ना, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं। तो सन को देखते हैं कि सन कहाँ से राइज होता है, पता है आपको, है ना, राइज इन द ईस्ट। तो उनको पता चल जाता है कि यस यहाँ पे सन राइज हुआ तो दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, है ना, नॉर्थ एंड साउथ। तो आप भी अपने घर पे, आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपको अपने घर में खड़े रह के ईस्ट कौन सी तरफ है, मतलब जहाँ पे सन राइज होता है वो तरफ ईस्ट है, उस तरफ खड़ा रहना है, ईस्ट फिर वेस्ट फिर नॉर्थ एंड साउथ। फिर आपके ईस्ट में, आपके घर के ईस्ट साइड में किसी का घर है या कोई ट्री है या व्हाटएवर क्या है वो आपको लिखना है। फिर वेस्ट में, मतलब वेस्ट जो है वहाँ पे क्या क्या है वो लिखना है। नॉर्थ में भी लिखना है, साउथ में भी, कि मेरे घर के ईस्ट साइड में मेरे ये फ्रेंड का घर है, वेस्ट साइड में मेरे ये नेबर का घर है, यहाँ पे सोसाइटी का रोड है नॉर्थ में, और वेस्ट साउथ के अंदर कोई ट्रीज लगे हैं, वो जो भी है आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है ना। ये उसके बाद है, हाँ चलो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे है ना, मैं आपको फटाफट से लेसन में क्या है ना वो समझा देती हूँ, ठीक है, ओके। फिर हम थोड़ा कंसंट्रेट करते, फोकस करते सम्स पे। देखो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी बोर्ड्स होती है, ठीक है, और बिग बोर्ड्स भी होती है ना। बिग बोर्ड्स किससे चलती है, मोटर से चलती है। तो मोटर वाली जो बोर्ड्स होती है ना उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत फटाफट जाती है और बहुत अंदर भी जा सकती है, सी के अंदर फार वे बहुत दूर तक जा सकती है। फिर उनके पास रहने की भी जगह होती है, केबिन बनाया हुआ होता है ना, रूम होता है, खाने पीने की वो उनकी फैसिलिटीज़ होती है। तो लोग जैसे कि अपनी मोटर बोट लेके निकले ना तो एक 15 दिन के बाद भी रिटर्न आएंगे सी में से सारे फिश कैच करके, तो हो सकता है। और बहुत सारी फिश उसमें, उनकी बहुत बड़ी सी बोट होती है तो उसमें बहुत सारी उसकी कैपेसिटी भी होती है कि बहुत सारी फ़िश कैच करके उसमें रख के वो लेके आ सकते हैं। तो अगर मोटर बोट से अगर कोई फ़िशिंग करेगा तो वो बहुत सारी फिशेस कैच कर पाएगा, पर अगर वो लॉग बोट से करेगा तो वो कर पाएगा नहीं, क्योंकि वो दूर तक नहीं जा पाएगा सबसे पहले तो, है ना, जैसे कि विंड का सपोर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मोटर बोट में तो जैसे विंड अपोजिट साइड का है फिर भी मोटर बोट जा सकती है ना। तो जो छोटे से जो फिशरमैन्स है ना जिनके पास लॉग बोट्स है वो लोग बहुत कम फिश कैच कर सकते हैं, क्योंकि मोटर बोट जिसकी है वो अंदर जाएगा सी के अंदर और अंदर से सारी मछलियाँ बहुत सारी फिशेस कैच कर लेगा। तो सी शोर पे, मतलब दरिया के नज़दीक नज़दीक के एरिया में से सी शोर होता है वहीं से ही वो लॉग बोट वाले तो कैच कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे तो मछलियाँ ही नहीं आएगी क्योंकि अंदर से वो लोग सारी कैच कर लेंगे, तो सी शोर पे तो आएगी नहीं, किनारे पे तो ज़्यादा मछलियाँ आएगी नहीं, तो उन लोगों को बहुत कम मछली मिलती है ना। फिर देखो ये जो पहले जो फिशरमैन थे ना जो नेचुरली फिशिंग करते थे विदाउट मोटर बोट, तो वो लोग क्या करते थे, वो जैसे देखते थे कि चलो यहाँ पे उन्होंने नेट डाली, उसमें जो उनकी नेट भी कैसी थी, बड़ी वाली रखते थे, क्योंकि वो छोटी छोटी फिशेस अगर उनकी नेट में आ जाती थी ना तो उसको छोड़ देते थे छोटे बच्चों को, क्योंकि अगर वो बड़ी फिश को भी कैच करके सब लोग खा जाएंगे, छोटी को भी खा जाएंगे, तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। जैसे एक फिश में से दूसरी फिश बॉर्न करते ना, एक स्ले कौन करेगा, फिर तो धीरे धीरे फिश ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनली जो स्मॉल वाली फिश थी ना उसको छोड़ देते थे, है ना, पानी में वापस डाल देते थे, तो वो फिर से रिप्रोडक्शन कर पाएगी और फिशेस हमको मिलेगी। और अभी जो है ना मोटर बोट में जो जाते हैं तो बहुत सारे फिशेस, छोटी बड़ी सब फिशेस को कैच करके आ जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दरिया में सी में फिशेस कम हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात कि उनकी जो नेट होती है वो भी स्मॉल होती है ना। तो जो ट्रेडिशनली जो फिशिंग करते थे
वो फिशेस की केयर भी करती थी कि छोटी फिशेस है उसको छोड़ दो, बिग फिशेस, और जितनी चाहिए थी जितनी ज़रूरत थी उतनी ही कैच करते थे, उसको बहुत सारी एक साथ पकड़ ली और उसका बिजनेस किया, इतना सारा नहीं था जितना अभी हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे फिशेस की बहुत सारी स्पीसीज ख़त्म भी होने आई है। तो आपको ये पैराग्राफ में ये सब समझाया है, ठीक है ना। चलो अभी हम ये देखते हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू सी, सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, दिस बोट्स ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर एंड 1 आवर, है ना। वहाँ पे हमने क्या देखा था, 1 आवर में 4 किलोमीटर ही जाती है जो लॉग बोट है, पर मोटर बोट कितनी जा सकती है, 20 किलोमीटर, एक घंटे में 20 किलोमीटर तक जा पाएगी, ठीक है ना। ओके, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर, देखो 1 आवर में वो कितना जाती है 20, तो 3.5 आवर में कितना जाएगी, तो कैसे करेंगे, 20 × 3.5, तो कितना होगा, कितना होगा आंसर पता है आपको, आंसर होगा देखो 70 होगा, 70 किलोमीटर। और ये भी कैसे होगा ना, मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। ओके, देखो ये सारी मोटर बोट्स हैं और ये क्या है, लॉन्ग टेल बोट है, ठीक है ना। ओके चलो, अभी ये इससे ट्रेडिशनल बोटिंग फिशिंग होती है, और ये सब देखो यहाँ पे रहने की भी जगह होती है उनकी, होती है ना, तो वो लोग तो अच्छे से रह भी सकते हैं, और एक कभी कभी तो एक एक महीना तक वो दरिया में ही ऐसे सी में ही वो ट्रैवल करते हैं और सारे फिशेस कैच करके 1 मंथ के बाद वो वापस घर पे आते हैं रिटर्न, बहुत सारे फिशेस कैच करके। उससे हमें थोड़ा हमारे नेचर को हार्म भी होता है ना, बहुत सारे स्पीसीज ख़त्म हो गई है। अभी देखो यहाँ पे भी यही कुछ आपको समझाया गया है, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। हाँ, मैंने जो आपको ओरली समझाया ना वही सब लिखा हुआ है, मैं रीड करूँगी तो आपको ज़्यादा समझ, आपको खुद रीड करना है, पर हाँ मैंने जो समझाया वो सब रीड करना है आपको, ठीक है। चलो अभी देखो, राइट अ न्यू रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशर इन अवर रिवर्स एंड सीज। मैंने बोला डेंजर्स मतलब क्या, कि फिशेस कम हो रही है। ओके चलो अभी यहाँ पे विच बोट गेट्स हाउ मच, कौन सी बोट कितनी ज़्यादा मछली लेके आएगी, इसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। उसमें उसकी स्पीड लिखी है और उसकी कैपेसिटी भी लिखी है कि ये इतनी स्पीड से जाती है और इसकी कैपेसिटी इतनी है, कि इतने एक वन टाइम वो आएगा, जाके आएगा वन ट्रिप में वो कितने फिशेस लेके आ सकता है। ओके, तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जो एक मिनट में थोड़ा सा मीक कर देती हूँ, ओके मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ओके देखो सी, यहाँ पे है लॉग बोट, लॉग बोट यानी लकड़ी की, उसकी फिश की वन ट्रिप के अंदर वो कितने केजी ला सकती है, 20 केजी, और उसको कितना लगता है वन ट्रिप करने में, 4 किलोमीटर टाइम, एक घंटा लगता है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से जाती है। ओके, फिर जो लॉन्ग टेल बोट है उससे थोड़ी बड़ी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें 600 किलोग्राम फिशेस उसमें आ सकती है, और उसकी स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर की पर आवर, एक घंटे में 12 किलोमीटर हो जाती है। फिर मोटर बोट की क्या होती है, उसमें 800 किलोग्राम फिशेस की कैपेसिटी, उतनी हम उसमें रख सकते हैं एक ट्रिप में, और उसकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड मशीन बोट उससे भी बड़ी, तो उसमें तो बहुत बड़ी होती है, और उसमें कितनी, 6000 केजी फिशेस वन ट्रिप में कैच करके वो आ सकते हैं, और उनकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है, फटाफट जाके फटाफट आते हैं, बहुत सारे फिशेस लेके आ जाते हैं, है ना। तो वो 22 किलोमीटर एक घंटे में, एक आवर में 22 किलोमीटर वो ट्रैवल कर सकती है। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे हमें, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, दिस वन, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल इच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। अगर हर एक बोट जो है ना वो 7-7 ट्रिप लगाए, है ना, जैसे कि लॉन्ग बोट ने 7 ट्रिप की, लॉन्ग टेल बोट ने 7 ट्रिप की, मोटर बोट ने भी 7 ट्रिप की, मशीन ने भी 7 ट्रिप की, तो हर एक कितना कितना कितनी कितनी फिशेस, कितने केजी फिशेस ला सकती है,
ठीक है ना। तो हम सबको है ना उनकी जो कैपेसिटी है ना कि वन ट्रिप में 20 है ना, वन ट्रिप किया तो 20 के जी लिया, तो सेवन ट्रिप में तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो सारे हैं ना उसको सबको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लॉग बोट है ना, तो 20 × 7 तो कितना होगा 40, कितनी लाएगा वो 140 केजी, 20 × 7 = 14 और वो जीरो लग गया। तो 140 केजी फिशेस लॉग बोट वन ट्रिप 7 ट्रिप में लाएगा, वन ट्रिप में तो 20 केजी ला सकता है, तो 7 ट्रिप करेगा तो कितनी लाएगा 140 केजी। ओके अभी देखो, अभी इसकी लॉन्ग टेल वाली दिखाई ना मैंने, तो वो अगर 7 ट्रिप करती है तो इंटू 7 तो कितने हो जाएगा 6 × 7 कितना होता है 42 होता है ना, और उसके ये 20 पीछे लगा दिए तो कितने केजी लेके आ सकती है 4200 केजी फिशेस वो 7 ट्रिप में लॉन्ग टेल बोट ला सकती है। ओके अभी किसके टर्न आया मोटर बोट का, तो वन ट्रिप में वो 800 आती है तो 7 ट्रिप में कितनी लाएगी, तो 800 × 7 तो 8 × 7 = 56 होगा ना, यस, और उसके पीछे 20 लग जाएंगे तो 5600 केजी कितनी फिशेस लाएगा 7 ट्रिप करेगा, तो मोटर बोट 7 ट्रिप करती है तो 5600 केजी फिशेस कैच करके लाएगा। अभी मशीन बोट है ना, दिस इज मशीन बोट, मशीन बोट की कैपेसिटी क्या है, वन ट्रिप में 6000 केजी वो ला सकती है फिशेस, ठीक है ना। तो अभी 7 ट्रिप करेगी तो 6 × 7 = 42 होगा ना, यस, और कितने जीरो लगेंगे पीछे 3, 1, 2 and 3, बाप रे कितनी सारी फिशेस। अगर मशीन बोट जाती है तो 42000 केजी फिशेस 7 ट्रिप में कैच करके लाएगा। तो जब लोग मशीन बोट का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो बहुत सारी फिशेस हमारे सी में ख़त्म हो रही है ना, और छोटी स्मॉल फिशेस भी उसमें आ जाती है, तो भी रिप्रोडक्शन कौन करेगा, एग्स ले कौन करेगा, है ना। तो धीरे धीरे फिश कम हो जाएगी, फिर हमको सी में फिश देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा होगा ना बहुत सालों के बाद, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें उसके बारे में थोड़ा अवेयर होना चाहिए, है ना, कोई सिस्टम निकालने चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए। अभी समझ में आ गया आपको, यहाँ तक हम रखते हैं, ठीक है ना। ओके उसके बाद मैं ये वाला आपका नेक्स्ट पीरियड में लूँगी, और उसके पहले मैं आपको थोड़े से सम्स कराऊँगी, जिससे आपको थोड़े सम्स भी करने आ जाए, ठीक है ना। पर उसके पहले आपको यू हैव टू प्रिपेयर योर टेबल्स। ओके तो आज यहाँ तक रखते हैं, और मैं आपको वर्कशीट भी भेजूँगी, आपको वो भी करनी है। ओके ठीक है ना, यस, तो आप अपनी वर्कशीट करना और लेसन अच्छे से रीड करना, मैंने आपको कंटेंट समझा दिया है ना, इतना सारा रीड करने बैठेंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा, है ना। अभी तो शुरुआत है तो मैं करती हूँ, फिर मैं आपको टॉपिक इन शॉर्ट में समझा दूँगी, फिर रीड आपको घर पे करना है ना, जो मैंने समझाया वही रीड करना होगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर हम सम्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे सम्स भी तो सिखाने पड़ेंगे ना आपको, पर उसके लिए आपको टेबल्स लर्न करने, ठीक है ना। तो लर्न, बाय बाय।